चार दिनों की गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश में 3 या 4 महीने में इंस्पेक्शंस काफी बढ़ गई। हरी में बजाज ऑटो में 1% का मूव देखने को मिला। टाटा एलेक्सी टाटा मोटर्स में खरीदारी का कॉल। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। शेयर बाजार कितना झूठ कितना सच, आज का वीडियो शेयर बाजार के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर बाजार की ए टू जेड सारी जानकारी देना चाहता हूं। आज का ये टॉपिक हॉट है, पूरा हिंदुस्तान आज इसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि या तो आप पहले से शेयर बाजार में हैं या शेयर बाजार में उतरने का इरादा रखते हैं। मेरे अनुभव में ज्यादा लोग शेयर बाजार में जब उतरते हैं तो उनके मन में शेख चिल्ली के बड़े सपने होते हैं। वे 5,000 रुपए लगाकर करोड़पति बनना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो शेयर मार्केट को लॉटरी की तरह देखते हैं और रात ही रात में राजा बाबू बनना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हर साल 15 से 20% तक कमाना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में मात्र 4% लोग, सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। डर लगता है लोगों को शेयर बाजार में घुसने में, डर लगता है। 20 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के अंदर मैंने कोई रईस आदमी आज तक नहीं देखा जिसको कभी ना कभी पैसे का नुकसान ना हुआ हो। हर बड़ा आदमी, हर रिच आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी को कभी ना कभी पैसे के नुकसान जरूर हुए हैं, लेकिन अपने 20 साल के करियर में मैं ऐसे लाखों पुअर गरीब लोगों से मिला हूं जिनको पैसे का कभी नुकसान नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछा, तुमको नुकसान क्यों नहीं होता? बोला, हम लगाते कहां हैं जो हमको नुकसान हो। भारत में 4% लोग सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका में यह आंकड़ा 50% से ज्यादा का है। भारत में सही मायने में शुरुआत भर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत गर्व के साथ कि भारत की इक्विटी मार्केट आज दुनिया में 6वें नंबर पर है। जी हां, आपने ठीक सुना, भारत की इक्विटी मार्केट आज दुनिया में 6वें नंबर पर है। यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग और यूके के बाद भारत सबसे बड़ा बाजार है। और मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में इतनी बुद्धि तो जरूर होती है कि वो शेयर बाजार में सफल हो सके। मेरी नजर में अगर आपने 10वीं क्लास की मैथ्स की परीक्षा पास की है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको शेयर बाजार की। सबसे पहले समझाऊंगा शेयर बाजार और ट्रेडिंग के बारे में होता क्या है। बहुत आसान भाषा में, साधारण लैंग्वेज में आपको शेयर बाजार का पूरा खाका समझा दूंगा। आज शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। भारत में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। सिंपल है, BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आपको किसी भी एक्सचेंज से शेयर खरीदने और बेचने हैं तो एक ब्रोकर की जरूरत होती है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। पुराने जमाने में शेयर कागज के रूप में खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है, सब मोबाइल के ऊपर है। आप मोबाइल पर खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यही वजह है कि आपको शेयर रखने के लिए अब एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ही ट्रेडिंग कहते हैं। साथियों, ट्रेडिंग बेसिकली 2 तरह की होती है। सिंपल है, 2 तरह की ट्रेडिंग। पहली डे ट्रेडिंग, दूसरी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये क्या बला है? डे ट्रेडिंग में आप शेयर जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन शाम को बेच देते हैं, चाहे फायदा हो या नुकसान, उसी दिन हिसाब किताब बराबर। और दूसरी तरफ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें आप शेयर खरीद कर अपने पास रखते हैं, पेशेंस रखते हैं और भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं। दोनों की तरह की ट्रेडिंग में सक्सेस प्रिंसिपल बिल्कुल जुदा हैं, अलग होते हैं। डे ट्रेडिंग में न्यूज और अफवाहों का बहुत बड़ा रोल होता है। डे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि डिलीवरी ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, नेचुरली डे ट्रेडिंग काफी खतरनाक होती है, क्योंकि दिन बेचा शाम खरीदा, ऊपर नीचे हुआ, नुकसान हो सकता है। और डे ट्रेडिंग करने वालों के पास एक चीज कभी नहीं होती जो डिलीवरी ट्रेडिंग करने वालों के पास होती है, और वो है समय। आज का ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको 7 वो रीजन बता देना चाहता हूं कि क्यों आपको शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज से ठीक 1 महीना पहले ऐसे ही शेयर बाजार के एक शानदार प्रोग्राम का मैं हिस्सा था, इन्वेस्ट वाइज लर्न अर्न एंड ग्रो, CNBC चैनल का ये इवेंट, जिसके लिए मैं मुंबई स्टूडियो में था। वहां मेरी मुलाकात इस मार्केट के एक दिग्गज खिलाड़ी विशाल मलखान जी से हुई, जो ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के किंग कहे जाते हैं। 25 साल का
एक्सपीरियंस है। उनकी सबसे खास बात मुझे ये पसंद आई कि उनकी सिंप्लिसिटी, कि वो 10 साल के बच्चे को भी अपनी बात बहुत आसानी से समझा सकते हैं। वीडियो में आगे चलकर उनके बारे में ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यह समझें कि शेयर बाजार कोई खेल या जुआ नहीं है, ऑल्दो बहुत सारे लोग इसे ऐसा ही देखते और खेलते हैं। शेयर बाजार साथियों 2 दिन में करोड़पति लखपति बनने का जरिया भी नहीं है। यह सिंपल एक बैंक की तरह है कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने पर रोज रोज तांक झांक करने नहीं जाते कि मेरा पैसा कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, उसी तरह शेयर भी खरीद कर रोज रोज जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना पैसे को आग लगाने जैसा है, लेकिन ये इतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, ये हालांकि ये सही है कि कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया है, जैसे हर्षद मेहता और केतन पारी। क्यों आज शेयर बाजार सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? कुछ कारण है, 7 प्रमुख कारण आज मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले लो सेविंग इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में आप जानते हैं कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का 4%, 3.5%, अगर आप FD कराते हैं 6%, लेकिन 6% मिलता नहीं है। 1 साल के बाद जब आपकी FD मैच्योर होती है, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होता है, तो 30% उसमें से TDS कट जाता है, यानी जमा घटा करें तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 4% रिटर्न मिलता है। और अगर इन्फ्लेशन 8.5 से 9% की दर पर है तो आप जानते हैं कि आपका सेविंग बैंक में रखा गया पैसा हर साल 5% कम हो रहा है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास कम पैसा भी है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, तो ये पैसा एक ही जगह बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है और वो है शेयर बाजार। लो सेविंग इंटरेस्ट रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सबसे बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का और पैसा बढ़ाने का शेयर बाजार। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ह्यूज प्रॉफिट्स इन प्रॉपर्टी। ऑल द प्रॉफिट बहुत होता है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि आपको एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस पर रिटर्न लेने के लिए। कोई भी प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और आज की डेट में प्रॉपर्टी फायदे का सौदा नहीं रहा। क्यों? टैक्सेस बढ़ गए हैं, रजिस्ट्री कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शेयर मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो जाता है। You will get dividend. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शेयर बाजार में अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं तो उसके ऊपर कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम। आपका पैसा सुरक्षित भी है, बढ़ भी रहा है, और साथ साथ आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है। और डिविडेंड में सबसे अच्छी बात यह है टैक्स फ्री है, क्योंकि टैक्स पे करती है वो कंपनी जिसके शेयर आपने बाय कर रखे हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड बाइंग इज आउटडेटेड नाउ। वो जमाने चले गए जहां लोग गोल्ड में बाय करते थे, गोल्ड खरीदते थे, रखते थे। आज की डेट में सोना सिर्फ बैंक लॉकरों की शोभा बढ़ा रहा है, और आज के माहौल में महिलाएं बाहर सोना पहन के असुरक्षित महसूस करती हैं, और मिलावट की समस्या वैसी की वैसी ही है। बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लॉकरों की शोभा बढ़ा रहा है। तो सबसे बेस्ट है वो पैसा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो शेयर बाजार आपको इस सुविधा देता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रॉपर्टी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी बाय किया और 1 साल में उसको 1.5 करोड़ रुपए का बेच दिया, तो 50 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर 20% आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, 20%। लेकिन अगर आप शेयर में कहानी वही की वही कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी आपने कोई शेयर 1 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेचा, तो 4 रुपए के ऊपर आपको 20% नहीं, सिर्फ 10% कैपिटल गेन देना पड़ता है। जहां प्रॉपर्टी में 20% है, वहां शेयर बाजार में शेयर के ऊपर 10% सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ता है। शेयर बाजार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप PPF और GPF में भी इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मल लोग, पुराने, बहुत सारे पुराने ढर्रे के लोग हैं जो PPF में पैसा लगा रहे हैं या GPF में पैसा लगा रहे हैं, फाइनली वो सारा पैसा घूम फिर के शेयर बाजार में ही लग जाता है। और शेयर बाजार में पैसा लगाने का सबसे सुखद चीज जानते हैं क्या है? सबसे आखिरी में, प्राइस राइज ऑफ शेयर इज द बेस्ट एडवांटेज। डिविडेंड तो एक बहुत छोटी चीज है, असली मजा तो शेयर के भाव बढ़ने में है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके इसको समझा देना चाहता हूं। मान लेते हैं आप 2010 में आपने एक स्टॉक खरीदा नेस्ले। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मान लेते हैं आपने 2010 में एक स्टॉक खरीदा नेस्ले, आपको शेयर बाजार का शौक है, आपने नेस्ले खरीदा, आपके पास 1 लाख रुपए टोटल है, शेयर प्राइस है 2500 रुपए के आसपास, नेस्ले का शेयर प्राइस है 2500 रुपए और आपने 1 लाख रुपया टोटल लगाया। इस हिसाब से आपको 40 शेयर मिल गए नेस्ले के, राइट? आपको 40 शेयर मिल गए। आज 2022 में नेस्ले का शेयर प्राइस है 18,000 रुपए,
टुडे द शेयर प्राइस इज 18,000 रुपीज, यानी जो 1,00,000 रुपए आपने लगाया था आज वो करीब करीब 7.5 से 8 लाख रुपए हो गया है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट करीब करीब 8 गुना हो गई पिछले 12 साल में। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17% का रिटर्न आपको देता है, वहीं सेविंग में आपका रिटर्न मात्र 3 से 4% था। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का स्टॉक आपने 2010 में खरीदा, 157 रुपए का स्टॉक था, 157 रुपीज, 157 रुपए का शेयर प्राइस था और आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगर 157 रुपए का शेयर है तो करीब करीब 600 शेयर आपके नसीब में आए, 600 शेयर आपकी झोली में आए। आज वही शेयर ब्रिटानिया का 3700 रुपए का है जो कि करीब करीब 157 का था। 157 का प्रोडक्ट आज 3700 रुपए का हो गया, यानी आज आपका जो 1,00,000 रुपए की वैल्यू थी वो करीब करीब 23,00,000 रुपए में कन्वर्ट होगी, 23,00,000 रुपीज। आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 का 23,00,000 हो जाना पिछले 12 साल में 23 गुना है, साल का करीब करीब 15 से 20% की रिटर्न है। आंकड़े साथियों तेजी से बदलते जा रहे हैं, बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। 2022 में करीब करीब 10 करोड़ भारतीयों ने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी है और आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस शेयर बाजार के अंदर अपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इस वीडियो के अगले बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि शेयर बाजार के उठने और गिरने के क्या कारण हैं। अखबार में खबर छपी, शेयर बाजार गिरा या उछला, आखिर क्यों गिरता है और क्यों उठता है? अगर लोगों में खरीदने की प्रबल इच्छा होती है तो बाजार उठ जाते हैं और बेचने की इच्छा होती है तो बाजार गिर जाते हैं। सिंपल फंडामेंटल है। वैसे तो बाजार के उठने और गिरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या होता है जानते हैं? देश की इकॉनमी। जी हाँ, अगर देश की इकॉनमी अच्छी है, स्टेबल है, तो बाजार शानदार परफॉर्म करता है। लेकिन देश की इकॉनमी हिचकोले खा रही है, धड़ाम से बाजार गिर सकता है। 7 प्रमुख कारण आज मैं आपको बता देता हूं कि क्यों कोई शेयर बाजार गिरता है या उठता है। सबसे पहले, व्हाट हैपेंड दैट डे, उस दिन क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि उस दिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड डेट। जी हाँ, शेयर मार्केट रोज बदलती है, किस तरफ करवट लेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस दिन देश का माहौल कैसा है, पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है या नेगेटिव न्यूज ज्यादा है। पॉजिटिव न्यूज के कारण मार्केट बढ़ती है, नेगेटिव न्यूज के कारण गिरती है। खबर आई कि भारत की GDP 8% रहेगी, बाजार उछल जाता है। खबर आई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, बाजार उछल जाता है। खबर आई टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, बाजार गिर जाता है। उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो पर्टिकुलर डे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेयर मार्केट को राजनीतिक स्टेबिलिटी बेहद पसंद है, स्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट हमेशा ग्रो करती है। लेकिन अगर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है देश के अंदर तो बाजार गिरता ही गिरता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन का शेयर बाजार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, महंगाई का इकोनॉमी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जब जब महंगाई बढ़ती है, सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसी भी माल को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ते ही डिमांड कम हो जाती है, जिससे सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाते हैं, सीधी सी बात है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है। महंगाई की दर अगर कम है बाजार उठ जाएगा, अगर दर ज्यादा है बाजार गिर जाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमतों का भी शेयर बाजार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो शेयर मार्केट की गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर उनको अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ते हैं या मार्जिन कम करना पड़ता है। मार्जिन कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट कम होने से बाजार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे देश में मॉनसून भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आप सोच सकते हैं कि मॉनसून का भी शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, भारत में मॉनसून भी शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में, कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, मानसून इसमें मेजर रोल प्ले करता है। शेयर बाजार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मई और जून में रुक सा जाता है। अगर मॉनसून बहुत अच्छा हो बाजार चढ़ता है, खराब मॉनसून
बाजार गिरा देता है। छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के लोगों द्वारा देश में खरीदारी। अगर बाहर के लोग देश में पैसा डालते हैं तो शेयर बाजार उठ जाता है, अगर बाहर के लोग देश से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो बाजार की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्लोबल शेयर मार्केट। जी हां, अगर दुनिया भर का शेयर बाजार गिर रहा है तो उसका प्रभाव भारत के शेयर मार्केट पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी का हमारे शेयर बाजार पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है, खासतौर पर अमेरिकन इकोनॉमी। ये प्रभाव इसलिए भी पड़ता है साथियों क्योंकि इंफोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और वहां अगर कीमतें गिरती हैं तो नेचुरली इसका असर यहां भी होता है। शेयर बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे मजे की बात, दुख की बात, सुख की बात क्या है कि शेयर बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही शेयर प्राइजेस पर आपका कोई बस है। इसके रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं, इसे रिस्क फ्री बनाने के लिए और अंदर तक समझने के लिए सही गाइडेंस की जरूरत है, सही कोचिंग की जरूरत है और मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि विशाल मलखान जी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग का 25 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों को दुनिया भर में सिखा चुके हैं। उनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी ही तरह सिंप्लिसिटी से अपनी बात हर किसी को बिंदास समझा देते हैं, चाहे 10 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल का बुजुर्ग। CNBC टीवी 18 कई बार उनको अपने यहां पर इनवाइट कर चुका है। शेयर मार्केट पर लिखी गई उनकी किताब कैश टैक्स आज के रेट में बेस्ट सेलिंग बुक है। विशाल जी को शेयर मार्केट का डॉक्टर कहा जाता है। जैसे कोई डॉक्टर आपकी ECG रिपोर्ट ग्राफ देखकर बता देता है कि दिल में तकलीफ कहां है, स्टंटिंग होगी या बाईपास की जरूरत है, ऐसे ही विशाल जी टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर हैं। किसी भी कंपनी का चार्ट या डेटा स्टडी करके बता सकते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक बढ़ सकता है या घट सकता है। विशाल मलखान और उनकी वाइफ मेघना शेयर मार्केट के साथ माइंडसेट मैनेजमेंट पर भी बेहद शानदार काम कर रहे हैं। मेघना से मेरी मुलाकात हुई जो एक बेहद शानदार अनुभव था। एज अ स्पेशल केस आप सबको विशाल जी का 30 डे का बेसिक ट्रेनिंग मास्टरी कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आज दिया जा रहा है। ट्रेडिंग मास्टरी 2022 ये एक ऐसा इंक्लूसिव प्रोग्राम है जो आपकी हेल्प करेगा टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिल्कुल सही दिशा में। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ताकि एक राइट अप्रोच के साथ आप सीख सके क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मास्टरी 2022 एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बिगिनर से एक एक्सेलेंट इन्वेस्टर बना सकता है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं तो आप ये फ्री एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है मलकांस व्यू, जिस पर 1000 से ज्यादा ताबड़तोड़ वीडियो आपकी शेयर मार्केट की समझ को और अच्छे से समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथियों आज के इस वीडियो के अंदर मैं जानता हूं कि कंटेंट लंबा है, वीडियो बहुत बड़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपको शेयर बाजार के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। अगले किसी और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, अच्छी जगह करिए और जल्दी पैसा कमाने के बारे में कभी मत सोचिए। पेशेंस इज द की टू इन्वेस्टिंग। पैसा कमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है वो है आपका पेशेंस। जल्दी ना करें और किसी के सुन के कुछ ना खरीदें। सुने सबकी, करें अपने मन। अगले फिर किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू थैंक यू सो मच। जय हिंद।